हत्या हुआ है, हत्या हुआ है हमारे बच्चे का, हमको इंसाफ चाहिए बस और कुछ नहीं। बीते 25 दिसंबर को 15 वर्षीय आयुष हसनगंज थाना क्षेत्र से लापता था और आज उसकी लाश मिलती है नदी में, जिसके बाद जो परिजन थे लाश रख कर हसनगंज थाना क्षेत्र में प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस ने इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से 15 वर्षीय मासूम आयुष की जान चली गई। आयुष की मम्मी हमारे साथ इस वक्त हैं और उनसे बात करेंगे क्या कुछ वाकया हुआ था, कब आयुष लापता हुआ था। हमारा बच्चा 25 तारीख का लापता हो गया, 8 बजे तक हमारे बच्चे से बातचीत हुई, उसके बाद सबका नंबर ब्लॉक लिस्ट में आने लगा, किसी का नंबर नहीं उठ रहा था हमारे बच्चे के। हमारा बच्चा 12 दिन से कोई आवाज नहीं सुना पाया, हम कैसे अपने बच्चे को देखें। हमको इंसाफ चाहिए, उस मुजरिम को सजा चाहिए जो बच्चे का मारे मारी, हमारे बच्चे का हत्या हुआ है, हमारे बच्चा अपने मौत से नहीं मरा है, हमारा बच्चा हत्या हुआ है, हत्या हुआ है हमारे बच्चे का, हमको इंसाफ चाहिए बस और कुछ नहीं, हमको इंसाफ। तो जब आयुष लापता हुआ तो आप लोग पुलिस के पास गई थी, तो पुलिस ने क्या कुछ रिपोर्ट दर्ज करी थी गुमशुदगी की? नहीं, तुरंत नहीं गए थे हम लोग, 24 घंटे बाद गए थे। हाँ, तो रिपोर्ट दर्ज की है, कहीं मिल जाएगा तुम्हारे बच्चे, कोई शव कहीं से नहीं मिल रहा है, बच्चा ठीक ठाक है, बच्चा तुमको सही सलामत मिलेगा। बड़े दिन हमारे बच्चे का लाश दिखाए, हमको सही सलामत हमारा बच्चा घर नहीं आया है, हमको हमारा बच्चा सही सलामत नहीं घर आया, हमको सही सलामत चाहिए। तो क्या कहना है पुलिस का, आप क्या कहना है? पुलिस लापरवाही की है, रुपया खाली हमारे बच्चे को नहीं छोड़े, हमारे बच्चे आयुष के फादर भी हैं, आयुष के पिता भी, उनसे बात करेंगे। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कह रही है हम देख पकड़े हैं मुजरिम को, सजा दिलवाएंगे, लेकिन हमको कोई नहीं दिखा है किसको पकड़ा किसको नहीं पकड़ा है, और सजा हो तो फांसी की सजा दिला उसको। हमारा मासूम बच्चा, 15 साल का बच्चा, निर्दोष बच्चे को जान के मार ठहरा गया, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होके आया है बाटी का, पोस्टमार्टम होके आया। हमको पहचान नहीं करवाई गई है हमारे बच्चे से, हम वहाँ गए, हमारे बच्चे को पहचान नहीं करवाई गई, नहीं दिखाए उससे पहले पोस्टमार्टम के दिन। हम अपने बच्चे के निशान देखना चाह रहे थे कि जो निशान था हमारे बच्चे की बड़ी मम्मी, और 2-3 लड़के और नाम नहीं जानते, कोई हिंदू मुसलमान कौन लड़के हम नहीं जानते नाम, लेकिन एक मेन अभियुक्ता जो विकास ठाकुर जिसका नाम कहा जा रहा है, उसी के साथ लेके वही टहलता था, घुमाता था, वही उसमें गुरु बना रहता था उसका, उसी ने मार दिया, पुलिस यही बता रही उसी ने मारा है। हाँ, वो भी थाने में बता रहे, पुलिस आने में बंद है, और अब यही जानकारी हम लोग को दी गई है। आयुष के जो कजन भाई हैं वो हमारे साथ हैं, हम आयुष के बारे में पूछेंगे क्या उसका नेचर था, व्यवहार कैसा था और कैसा रहन सहन था, कैसे दोस्त थे उसके? वो एकदम सरल स्वभाव का था, ना ज्यादा किसी दोस्ती है ना किसी से कुछ, कल अपने एक शांत लड़का था, मतलब ना ज्यादा किसी उछलवान, ना ज्यादा उसको कोई समझ, सिर्फ 15 साल का था उसका, और ज्यादा कुछ काम हम नहीं करता था, और पढ़ाई करता था, पढ़ाई बीच में नहीं जा रहा था, बीच में मनकामेश्वर मंदिर के पास एक तलवा टेंट हाउस है उधर वाल जाने लगा था, तो वहाँ पे लाइट एड काम सीख रहा था, एक लड़का सिखा रहा था, उसकी मम्मी बार बार गई वहाँ की, मत सिखाओ मत सिखाओ, लड़कों से खूब लड़ाई करी वहाँ वहाँ जा जाके, गई कि मत सिखाओ उसको, मत लेके जाओ अपने, लेकिन लड़के नहीं माने, बार बार उसको लेके जाते थे। और विकास निषाद नाम का लड़का यहाँ रहता है, उसके ऊपर सख्त था, हम लोग ने उसका घर भी देखा, लेकिन पुलिस वालों ने उसका घर नहीं देखा है, हम लोग वहाँ तक घर भी देख के आए, उसका नंबर भी दिया, पूरा नंबर भी बंद हो रहा है, लेकिन वो लड़का नहीं आ पाया यहाँ पर, ना पुलिस वाले वहाँ घर देखने गए, हम लोग का काम थोड़ा, नहीं तो पुलिस वाले काम है। आपकी बात होती होगी क्योंकि आप लोग एक ही एज के हैं, खुल के बात करते होंगे, तो क्या किसी लड़के के बारे में बोलता था कि वो कभी धमकाता है या ना, कुछ लड़ाई लड़ाई में तो कभी था ही, लड़ाई करता ही नहीं था बिल्कुल, अगर उससे कोई भी कुछ करता तो कुछ उससे कर पलट किसी को कहता ही नहीं था कुछ, ना लड़ाई लड़ाई नहीं करता था बिल्कुल, लड़ाई में नहीं था। 25 तारीख को जब निकला तो क्या आपको ले जाने के साथ बात कर रहा था या आपसे बिना बताए चला गया था? 25 तारीख को गया था हसनगंज चर्च, चर्च 8:30 बजे मेरी बहन से बात हुई थी, तो उसने बताया था कि अभी आ रहे थोड़ी देर में, तब से वो अभी तक आया नहीं, ये सब पुलिस वालों लड़कों के साथ गया, तीन चार लड़के थे। हाँ, इसके आगे नहीं बताया था कुछ, उसके बाद एक एक करके नंबर सबके ब्लॉक आने लगे, फिर थोड़ी देर बाद सिम बंद हो गया उसका, अभी कुछ दिन पहले उन लड़कों के संपर्क करने की कोशिश करी थी आप लोग? उन लड़कों किसी का नंबर नहीं था ना किसी को, हम लोग जानते थे जो हम लोग संपर्क कर सकें, और परसों उसका फ़ोन मिला किसी को, भेज दिया था रिक्शे वाले को, तो रिक्शे वाले को लेके आया, तो उसको रिक्शे वाले को भी हम लोग को नहीं दिखाया गया था, बस ना दोबारा उसके आगे कुछ बात कराई, थाने में कम से कम 15 दिन में कम से कम 50-70 चक्कर हम लोग लगा चुके हैं, कोई वो नहीं बताएगा, बस खाली यही दिलासा दी गई कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, आपका बच्चा सुरक्षित है, आपका बच्चा सुरक्षित है, पूरी टीम हमारी काम कर रही है, पूरी टीम हमारी काम कर रही है, उसके आगे कुछ बताया नहीं गया। कहाँ पे मिली लाश? मिली है हलवान से, तो मंदिर के आगे घूमती नदी में,
इतना बताएगा इसके, अगर नहीं बताएगा हम लोग को। हमारे साथ ACP मैम मौजूद हैं इस सिलसिले में बात करने के लिए। मैम, एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ उसने कबूला है, क्या कुछ बात है? विकास ठाकुर मन कामेश्वर मंदिर के पास रहने वाला लड़का है जो है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। पहले पूछताछ के लिए लाया गया था, उसको कुछ स्वीकार नहीं था, लेकिन अभी IMI जब रन करवाया गया, मोबाइल उसके पास बरामद हुआ है। पूछताछ में उसने घटना को स्वीकार कर लिया है। लास्ट टाइम वो और मृतक आयुष दोनों एक साथ बैठे हुए थे, लास्ट टाइम दोनों ने एक साथ खाया पिया था, और उसी बेसिस पे कार्रवाई की जा रही है। तो विकास ठाकुर क्या ये कबूल कर रहा है मैम कि हाँ मैंने धक्का दिया था? जी हाँ, विकास ठाकुर कबूल कर रहा है कि आपस में ऐसे ही कुछ बात हो गई थी, तो उस वक्त ही हाथ लग गया और नदी में गिर गया। तो अब आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे धाराएं तरमीम कर देंगे। प्रथम दृष्टया पहला मुकदमा 363 IPC में दर्ज था, अब इसमें 304, 404 और 120 में, 201 में इसको हम तरमीम कर देंगे। बाकी जैसे घर वाले जिस तरह से एप्लीकेशन देंगे, धाराएं तरमीम हो जाएंगी। तो और भी लोग थे क्या उस दिन जब 25 तारीख को ये लोग निकले थे? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं आ रही है। लास्ट टाइम ये दोनों लड़के साथ में बैठ के खाए पिए थे। हमारे साथ ACP में मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है विकास ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है, उसमें वो कबूल भी कर रहा है कि उस वक्त हाथापाई हुई और धक्का दे दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन शान खान के साथ लखनऊ।